अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो हमने शाम से शुरू की थी क्योंकि आज हम दोपहर में कहीं चले गए थे और मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं, और हम आने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उसके बाद चाय बना के पी लिए। हम हमेशा ज्यादातर चाय जब बनाते हैं तभी, जैसे किचन के छोटे छोटे काम होते हैं, बर्तन लगाना और बोतलें एक दो खाली रहती है तो उन्हें भर देते हैं और ऐसे ही सामान समेट देते हैं, और घर की तो इफ्रा सामान वामान समेटते हैं, लेकिन किचन की जिम्मेदारी हमारी रहती है, हम करते हैं अपने हिसाब से। मेरे घर जो गेस्ट आ रहे हैं, आप लोग मेरे वीडियो में आज पहली बार देखेंगे आप, क्योंकि वो हम रहते तो आसपास हैं लेकिन वो दिल्ली में रहते हैं, हम अलीगढ़ में रहते हैं, लेकिन मुलाकात बिल्कुल नहीं हो पाती है। आज हमारे घर आएंगे तो आप लोगों से मुलाकात करवाएंगे जैसा टाइम रहा। दोपहर में सारी सफाई हो जाती है लेकिन थोड़ा बहुत सामान जैसे फैल जाता है, आगे वाले कमरे में अब्दुल्ला पढ़ते हैं मौलाना सर से, तो वो सामान फैल जाता है, वही सब समेटो और चादर चेंज की। और आज इत्तेफाक से मेरे घर अदरक लहसुन का पेस्ट खत्म हो गया था, थोड़ा ही सा लहसुन अदरक था, हमने सोचा लाओ पीस के रख देते हैं। जा रहे थे कीमा आलू बनाने के लिए, हम शुरू कर ही रहे थे तभी आ गए हमारे गेस्ट, तो आज हम अपने नानी अम्मा के स्टाइल से कीमा बना रहे हैं। और ये मेरा भतीजा है चिश्ती, आके सबसे पहले भाईजान अपनी गाड़ी पार्क कर रहे थे तभी वो अंदर आ गए, भाभी भाईजान कोई नहीं आया अंदर, भाग के आया किचन में हमसे मिलने के लिए। ये जारू है, हमारी भतीजी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी बातें करती हैं। अभी थोड़ा शर्मा रही है, अभी फ्रैंक हो जाएंगी थोड़ी देर के बाद। सब लोग बैठे हैं बहुत दिन के बाद मिले थे, देखिए अब्दुल्ला कितनी ध्यान से मामू जान की बात सुन रहे हैं अपने। और ये अब्दुल्ला को देख के चिश्ती इतना खुश, देखे कार्ड खेल रहे हैं। चिश्ती बुला रहे थे हम लोग को बहुत दिन से कि चलेंगे आ जाइए जू चलेंगे, लेकिन जा ही नहीं पाए, कुछ ना कुछ रहता है और बच्चों की पढ़ाई, ये वो लोग भी ज्यादा नहीं आ पाते क्योंकि चिश्ती भी अब पढ़ने लगे, भाईजन का ऑफिस रहता है, हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, घर चले गए गर्मी की छुट्टी में, सोचा था घर नहीं जाएंगे तो भाईजन के पास चले जाएंगे। हम खाना बना रहे थे तो भाईजन ने मना करा कि खाना रहने दो, बनाओ मत, बाहर से मंगा लेते हैं, वही ऑनलाइन मंगा लिया था, वही खाना वाना खाया, फिर उसके बाद वीडियो नहीं बन पाई थी। तो अब ये डायरेक्ट दोपहर का वीडियो है। एक गाय आती है मेरे घर, रोज आती है और मेरे गेट के सामने मुंह से मारती रही गेट पे, जब तक उसे रोटी ब्रेड जो रहता है दे देते हैं, खा के तब जाती है। देखिए दोनों गाय, हमारे दोनों बच्चे, उन भाईजन के दोनों बच्चे, देखिए कितना खुश होकर खिला रहे हैं ये। अब हम लोग थोड़ा, हमें मार्केट का काम था, ये मेरी भाभी हैं, वही हम लोग ने कहा चलो मार्केट चलते, भाईजन के साथ हैं और ये जारू हैं, चिश्ती हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है उन्हें अब्दुल्ला के साथ खेलना, अब्दुल्ला को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हाय कर रही हैं आप लोगों से। अब्दुल्ला का आज इत्तेफाक से चश्मा टूट गया, वही हमने सोचा बाहर जाएंगे तो चश्मा भी बनवा लेंगे। अब हम लोग निकल रहे थे, हमने कहा ज्यादा काम तो नहीं था, एक काम था और थोड़ा सा बच्चे भी घूम लिए, मामू जन जब आते हैं इनके तो घूमने जाते हैं सब लोग। इफ्रा नहीं गई थी कहीं, हम कॉलेज सुबह उठ के चली गई थी कॉलेज, फिर आई तो देर में, फिर सफाई वफाई की, उन्हें कुछ काम भी था, और ये रास्ते में चश्मा यहीं पे बनवाते हैं, अब्दुल्ला का ऑर्डर दे के चले गए थे, इंशाल्लाह आते वक्त लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने मना किया था मगरिब में। इस जगह का वीडियो इसलिए शूट किया था कि अब्दुल्ला अपनी मामी से पूछ रहे थे यहाँ पे जो ये कपड़े टंगे हैं, बैग टंगे हैं, इतनी ऊंचाई पे कैसे टांगते होंगे मामी दुकानदार, तो वही बता रहे थे कि डंडे में हुक लगाकर टांगते हैं। बच्चों वाली बात होती है, बच्चों को लगता है ये कैसे इतना ऊंचाई पे कैसे टांग लेते होंगे। मौसम कितना अच्छा हो रहा है, तमाम हरा हरा सा, बहुत अच्छा मौसम होता है, ये मौसम में तमाम हरियाली सी दिखती है। अब्दुल्ला आगे बैठे हैं गाड़ी के, तो खूब शूट किया ये भी वीडियो, ज्यादातर अब्दुल्ला ने पूरी शूट की है। और यहाँ का, यहाँ से जब हम गुजरते हैं अगर अब्दुल्ला रहते हैं जरूर शूट करते हैं। अब्दुल्ला बता रहे थे कि मामी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं यहाँ क्रिकेट खेलने आया करूंगा। ये आई मार्केट, तो यहाँ भाभी ने सबके लिए चूड़ी ली, यहाँ चूड़ियां बहुत अच्छी बारीक वाली मिलती है, भाभी ने ली थी, और जो काम से आए थे वो काम तो हुआ नहीं थोड़ी देर। भाईजन को आज जल्दी जाना भी था कि आज रुकने का प्लान था लेकिन अचानक से उनको जाना पड़ गया, तो ये घंटा घर है, अलीगढ़ का घंटा घर है। और ये रेलवे स्टेशन है,
हमारी अम्मी यहाँ से इंटर की थी अलीगढ़ से, तो अम्मी जब मेरी शादी बाद पहली बार आई थी तो कहे हुमा तुम्हारा अलीगढ़ का स्टेशन बिल्कुल नहीं बदला, अब वही अच्छा हो गया स्टेशन, तो वही शूट किया, लेकिन सही से शूट नहीं हो पाया कि अम्मी को दिखाएंगे कि अम्मी देखिए मेरा अलीगढ़ का स्टेशन बदल गया। ये छोटा सा वीडियो हमने अपने भाई और भावज बच्चों के साथ बना लिया था कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया, कभी आज तक शेयर नहीं किया उन लोगों को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी